अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्वीट डिज़ाइंस बाय सारा चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से हैं, मज़े में हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बेबी शावर केक। इस केक में मैं आपको बिल्कुल सिंपल टेक्निक्स दिखाऊंगी। अगर आप बिगिनर हैं तो ये केक आपके लिए इंशाल्लाह इजी होने वाला है, लेकिन एट द सेम टाइम हेल्पफुल होगा। न्यू टेक्निक्स जो है आप सीखेंगे इस केक में। जेंडर रिवील केक है ये, बेबी शावर केक है। तो हम एज़ यूजुअल जो है अपने केक बोर्ड के साथ स्टार्ट करेंगे, और हमेशा अपना केक जो है अपने केक बोर्ड के ऊपर बिल्ड करना है। और हम पिंक कलर का केक ले रहे हैं क्योंकि दिस इज़ फॉर अ बेबी गर्ल। और हमने इसको 4 लेयर्स ऑफ केक और 3 लेयर्स ऑफ आइसिंग के साथ बनाना है, जो कि एक स्टैंडर्ड हाइट होती है यहाँ पे केक्स की। ये 8 इंच का केक है। अगर आप इसको पाकिस्तानी स्टाइल में बनाना चाह रहे हैं तो आप इसका 2 लेयर्स ऑफ केक और 1 लेयर ऑफ आइसिंग के साथ बना सकते हैं। लेकिन जो टेक्निक मैं आपको साइड्स पे इसके केक के शो करने लगी हूँ, उसके लिए बेहतर है कि अगर थोड़ा सा टॉल हो केक तो अच्छा लगेगा उस पर टेक्निक। तो आपने अपने पसंद की स्पंज रेसिपी और क्रीम यूज़ कर लेनी है। बटर क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं आप और फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। रेसिपीज़ की लिंक्स जो है मैं इस वीडियो के नीचे आपके साथ शेयर कर दूँगी। जिन्होंने नहीं देखी हुई तो वो देख लें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस पर बेल आइकन का जो बटन है वो भी क्लिक कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन वक्त पे मिल जाए जब हम नई रेसिपीज जो है पोस्ट करते हैं। अगर आप बिज़नेस करने में इंटरेस्टेड हैं तो हमने रिसेंटली बहुत सारी जो है मैंने बिज़नेस की डिटेल्ड क्लासेस बनाई हैं आप सबकी मदद के लिए, ताकि जो लोग नए हैं वो बिज़नेस जो सीखना चाह रहे हैं उनके लिए भी लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है इस चैनल पर, तो वो व्यू कर लें। इस वक्त हम बात करते हैं केक की, और हमने केक को स्टैक कर लिया है और अब हम कर रहे हैं इसकी क्रम कोटिंग, यानी जिसको डर्टी आइसिंग कहते हैं। थिन लेयर ऑफ आइसिंग मैं इस केक के ऊपर कर रही हूँ, और इसके बाद मैं इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए 30 मिनट के लिए रख दूँगी। बटर क्रीम में जो बटर है वो हार्ड हो जाता है फ्रिज में जाके, एंड दैट्स परफेक्ट। हम यही चाहते हैं कि हमारे केक में ये हो। इस वक्त मैं परफेक्शन नहीं चाह रही, मैं सिर्फ चाह रही हूँ कि मेरा केक जो है एक्सपोज जो स्पंज है वो हर जगह से कवर हो जाए। तो ये होगी हमारी फर्स्ट आइसिंग, ठीक है। अब इसके बाद हमने करना है सेकेंड लेयर ऑफ आइसिंग, जो कि होगी हमारी फाइनल कोट। तो जब भी आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है अगर फॉन्डेंट में नहीं है और वो क्रीम में है, तो फिर आपको 2 कोटिंग करनी चाहिए क्रीम की, और पहली होगी उसमें से डर्टी आइसिंग और सेकेंड वाली होगी प्रॉपर फाइनल कोट, ठीक है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हुई हैं तो आप समझ गए होंगे कि मेरा एक सर्टन स्टाइल है, और मैं उसी तरह से फिर आपको हर केक सिखाती हूँ। सेम तरीके से आपने फिल और स्टैक करना है केक को, एक ही तरीका सीखें, प्रॉपर सीखें और फिर इसी को जो है अपने हर केक पे अप्लाई करें। अब हम अपनी इसकी सेकंड कोटिंग कर रहे हैं। केक हमारा चिल्ड है, फर्स्ट लेयर जो है हार्ड है हमारी, और अब हम सेकेंड लेयर कर रहे हैं। उसमें आपने ऑलवेज़ ये करना है कि पहले आपने टॉप के ऊपर क्रीम लगानी है और उसके बाद फिर साइड्स पर लगा देनी है। और मैं हमेशा एक टूल यूज़ करती हूँ जिसको हम स्क्रेपर कहते हैं, वो एक मस्ट आइटम है। एक तो ये आइसिंग स्पैचुला आपके पास होना चाहिए जिससे मैं आइसिंग लगा रही हूँ, और दूसरा आपके पास स्क्रेपर होना चाहिए, उससे आपका केक अच्छा जो है बहुत ही प्यारा और स्मूथ फिनिश के साथ होगा फाइनल। तो वो एक ऐसी आइटम है जिसकी आपको ज़रूरत होगी। तो अभी मैं इस चीज़ को फाइनल इसके ऊपर क्रीम लगा रही हूँ, और आप देखेंगे अभी कि मैं इसको कैसे जो है इसकी साइडों पर क्रीम स्मूथ करती हूँ। अगर वीडियोस देखते हुए आपके पास कोई भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, या कोई आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट्स हैं कि आप किस तरह की रेसिपीज़ और चीज़ें देखना चाह रहे हैं, या बिज़नेस से रिलेटेड कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताया करें। आई लव 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 टू रिप्लाई बैक, और मुझे अच्छा लगता है, मैं हर कॉमेंट पढ़ती हूँ और देखती हूँ आप लोग क्या चाह रहे हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं या नहीं अच्छी लग रही। फीडबैक भी ज़रूर दिया करें, और प्लीज़ वीडियोस को शेयर कर दिया करें, ताकि आपकी तरह के और बहुत सारे लोग हैं जिनको आइडिया भी नहीं होगा कि ऐसा सच चैनल है जो बिज़नेस दिखा रहा है आपको कि केक्स की प्राइसिंग कैसे करनी है और इसका मार्केटिंग कैसे करनी है, सारी आपको बिज़नेस डिटेल्स जो दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों का भी फ़ायदा हो सकता है पोटेंशली, अगर आप मेरी वीडियोज़ को शेयर कर दें। तो थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। बहुत सारे लोग आई नो हैं जो कर भी रहे हैं, सो आई रियली अप्रिशिएट द हेल्प। अब आप देख रहे हैं कि मैं केक पे अपनी आइसिंग जो है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि कम आइसिंग है वहाँ पे मैं एक्स्ट्रा आइसिंग स्क्रेपर अपने जो स्पैचुला है उससे मैं लगा रही हूँ। और जब मैं स्क्रेपर यूज़ करती हूँ तो उससे फिर आइडिया हो जाता है कि कहाँ पर आपकी जो है डिप जहाँ पे आपको नज़र आएगा, दैट मीन्स कि आपकी आइसिंग इनफ नहीं है, तो फिर आप वहाँ जो है स्पैचुला से लगाते जाया करें। ये एक बड़ा ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो केक के आइसिंग को स्मूथ करने के लिए लगता है।
जब केक की हम बात करते हैं तो अगर मेरे से पूछा जाए तो पर्सनली आई बिलीव कि शायद सबसे ज़्यादा ट्रिकी पार्ट या सबसे ज़्यादा हार्ड पार्ट जो न्यू कमर्स हैं, जो न्यू लोग हैं, उनके लिए यही होता है कि आइसिंग को हम स्मूथ कैसे करें। आप किसी के फिनिश्ड केक की लुक देखेंगे तो आपको उनकी आइसिंग देख कर ही आइडिया हो जाएगा कि उनका लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ क्या है। कई लोग जो नए हैं वो अपनी आइसिंग को स्मूथ नहीं कर पाते, लेकिन अब हमारी किस्मत अच्छी है कि बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं जो आपकी हेल्प करते हैं इस चीज़ में। तो अगेन मैं कह रही हूँ कि ये स्क्रेपर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। यू नीड समथिंग दैट हैज़ अ स्ट्रेट एज, उसको आप यूज़ करेंगे तो ये देखें ऑलरेडी थोड़ा सा ही काम करने के बाद हमारी आइसिंग जो है स्मूथ हो गई है। और स्मूथ आइसिंग अगर आप केक पे क्रिएट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका केक ओवरऑल एक अच्छी और ब्यूटीफुल प्रोफेशनल लुक देगा, एंड दैट विल डिफरेंशिएट यू फ्रॉम योर अदर कंपेटिटर्स। अगर आपका कोई कंपेटिटर है और उनकी ये टेक्निक इतनी अच्छी नहीं है तो आपके पास एडवांटेज होगा कि आपके केक्स जो हैं एटलीस्ट जो है गुड लुकिंग ज़रूर होंगे। तो ये टेक्निक सीख लें और ये आएगी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के साथ। आप खाली वीडियोस देखकर ये नहीं सीख सकते, अगर आप मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन अगर आप इनको प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो अनफॉर्चुनेटली यू कैन नॉट लर्न बाय जस्ट वॉचिंग, यू हैव टू प्रैक्टिकली डू इट। ठीक है, न्यू टेक्निक जो मैंने आज आपको सिखानी थी वो ये है कि इसके ऊपर हमने बाहर से रिवील नहीं करना कि ये केक बॉय का है या गर्ल का है। तो हम दो कलर्स ले रहे हैं, मैंने अपनी बटर क्रीम्स में एक एक या दो दो ड्रॉप ब्लू और पिंक कलर का जो है मैंने 1 or 2 drops ईच जो है बटर क्रीम में डाल दिया, और मैं स्पैचुला से रैंडमली जो है वो कलर्स लगा रही हूँ। तो ये कस्टमर की डिमांड थी कि उनको इस तरह का डिज़ाइन चाहिए था, थोड़ा सा रस्टिक लुक का। इसमें बहुत ही कोई फाइनल फिनिश जो है इसकी रस्टिक होनी चाहिए बेसिकली, तो हम वो अचीव करने के लिए रैंडमली जो है ये लगा रहे हैं ताकि कहीं कहीं पे हमें वाइट नज़र आए और कहीं पे ब्लू एंड पिंक नज़र आए। ठीक है, स्क्रेपर ले लें और जेंटली जो है इसको स्क्रेप करते जाएँ। अगर आपको इसकी लुक नहीं पसंद आ रही तो नो वरीज़, आप ये कर सकते हैं कि इसके ऊपर मज़ीद आइसिंग लगा कर इसको दोबारा से स्क्रेप करें। वो लुक भी अगर आप थोड़ी चेंज चाह रहे हैं तो आप प्रोसेस जो है अपना रिपीट करें जिस तरह मैं कर रही हूँ। मैंने ये प्रोसेस रिपीट किया कि जब तक मुझे बिल्कुल परफेक्ट अपने हिसाब से ये चीज़ नहीं मिली मैं इसको रिपीट करती गई, एंड फाइनली व्हेन आई वाज हैप्पी आई फाइनलाइज्ड द केक डिज़ाइन और फिर मैं वहीं पे रुक गई। आप नोट कर रहे होंगे कि मेरा जो केक का टॉप है वो इस टाइम स्मूथ नहीं है, वो मैंने जानकर अभी स्मूथ नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं इसकी साइड्स जो हैं बिल्कुल फाइनल और क्लीन करूंगी तो उसका टॉप जो है फिर से रफ़ हो जाएगा, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं उसको वक्त से पहले स्ट्रेट करने का। पहले आप साइड्स को अपने हिसाब से परफेक्ट कर लें जैसा एग्जैक्टली आप चाह रहे हैं। ज़्यादा अगर आप कलर चाह रहे हैं तो ज़्यादा इस पर ऐड करें ब्लू एंड पिंक, अगर आप थोड़ा कम चाह रहे हैं और वाइट ज़्यादा चाह रहे हैं तो फिर आप इसको कम करें। ठीक है, उसके बाद फिर आपने जो है इसका टॉप स्मूथ कर लेना है। इस टेक्निक को जो है आप कई जगहों पे और कई तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम बना रहे हैं जेंडर रिवील केक तो हम सिर्फ दो रंगों के साथ इसको बना रहे हैं। अगर आप रेनबो केक बना रहे हैं या रेनबो स्टाइल और थीम का केक बन रहा है तो आप 4, 5, 6, 7 या 8 कलर्स के साथ भी कर सकते हैं। मैंने पहले किया हुआ है कि एक पूरी लाइन में आप एक कलर करें, फिर उसके नीचे डिफरेंट कलर एंड देन अनदर कलर, और इस तरह से आप जो है बहुत ही प्यारी और क्यूट सी एक जो है केक की लुक दे सकते हैं। सो दैट्स अनदर आइडिया दैट यू कैन डू। या फिर यह है कि ऑब्वियसली आपकी जो केक थीम है उसके जो भी कलर्स हैं, या अक्सर लोग जो है अपनी पार्टी इनविटेशन या अपने पार्टी के कलर्स शेयर करते हैं आपके साथ, तो आप उन कलर्स को यूज़ करके सेम टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन मैं आपको बता रही हूँ बेसिकली ये ट्यूटोरियल जो आज का है ये बिगिनर लेवल ट्यूटोरियल है। इसमें सिर्फ आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका ये स्किल अच्छा हो जाए जिसमें आपने केक को स्मूथ करना है। सेकेंड जो टेक्निक मैंने आपको दिखाई है ये इंशाल्लाह आपको ईजी लगेगी, इसको प्लीज़ प्रैक्टिस करें। और अगर आप बनाते हैं तो इसको नीचे हम सब के साथ जो व्यूअर्स भी देख रहे हैं और मेरे साथ प्लीज़ शेयर करें, हमें बड़ी खुशी होती है लोगों के काम देख कर। I really love seeing all your work. So नीचे share करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, हौसला मिलेगा कि अच्छा लोग follow भी कर रहे हैं। Top देख लें, अब मैं इसको smooth कर रही हूँ अपने केक को। और इसमें एक और चीज़ बड़ी इजी है कि मुझे कस्टमर ने ख़ुद ही जो है केक टॉपर प्रोवाइड किया था, उन्होंने मुझे सेंड किया था, तो वो जो है टॉपर मैं सिंपली जो है अपने केक के ऊपर लगा दूंगी। अगर आप कहते हैं कि आप को फोंडेंट के साथ केक टॉपर बनाने नहीं आते तो नो प्रॉब्लम, आजकल प्लास्टिक के और हर तरह के डिफरेंट किस्म के रेडीमेड केक टॉपर्स मार्केट में जो है अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी हैं अवेलेबल।
मैं आपको एक लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी जिसमें आप पाकिस्तान में रहकर ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। केक की bakehouse.pk करके एक वेबसाइट है, वो बहुत अच्छी है, तो वो आप यूज़ करें अगर आप पाकिस्तान में हैं। तो यहाँ पर जो है मैं रेडीमेड केक टॉपर यूज़ कर रही हूँ एंड यू विल सी। एक मैंने जो है एक्स्ट्रा चीज़ फॉन्डेंट के साथ बनाई है। मेरे पास एक कटर था इस शेप का जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में जो पीस है, उसको मैंने कटर से इसको कट किया और इसके ऊपर मैंने रेगुलर पेपर पे ओ बेबी टाइप हुआ हुआ जो है इसके ऊपर लगा दिया है। अगर आपके पास एडिबल जो है प्रिंटर है तो आप उससे इस इमेज को प्रिंट कर दें, और अगर नहीं है तो फिर आप रेगुलर भी कर सकते हैं। बस ये है कि अपने कस्टमर को बता दीजिएगा कि ये पार्ट जो है उन्होंने खाना नहीं है, ये एडिबल नहीं है, ठीक है। यानी अगर ये आपने रेगुलर प्रिंटर से निकाला है तो आपकी ये ड्यूटी है फिर कि आपने अपने कस्टमर को इन्फॉर्म करना है कि दिस इज़ नॉट एडिबल। वो इस पीस को जो है वो बेबी को उतार करके एक सर्व करें और उतार कर खाएं, ठीक है। थोड़ा सा अमाउंट का पानी लें और इसको आप सिंपली जो है अपने केक पे बड़े आराम से स्टिक कर सकते हैं सेंटर में। फ़ाइनली जो है अपनी पसंद का केक टॉपर लेकर अपने केक के सेंटर में जो है बड़ी ही केयरफुली इसको जो है इंसर्ट कर लें और आपकी केक की पूरी जो लुक है वो फिनिश हो जाएगी। आई रियली होप कि आपको आज का ट्यूटोरियल सिंपल और इजी लगा है, अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है। प्लीज़ स्टे ट्यून, इंशाल्लाह और भी आपके लिए मज़े मज़े के ट्यूटोरियल्स और रेसिपीज़ और टेक्निक्स लेकर आऊँगी। आई रियली होप कि आप अपना और अपनी फैमिली वालों का ढेर सारा ख्याल रखेंगे। अनटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइज़।